हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल खिचड़ी। जी हाँ, चना दाल पुलाव भी बोलते हैं और बहुत ही यम्मी होती है। तो काफ़ी दिन हुए थे मैंने बनाई नहीं थी, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ। अब ये मैंने तैयारी कर ली है, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसको स्मोक लेवल पे लाके और गैस बंद कर दिया है। अभी मैं इसमें डालूँगी जीरा। दाल को, चने की दाल को मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था और अभी ये देखिए मैंने इसमें ये डाल दिए हैं खड़े गरम मसाले। ज़्यादा कुछ नहीं, तेज़पत्ता, मोटी इलायची और लौंग और काली मिर्ची डालती हूँ इसमें। बाकी स्लाइस किए हुए प्याज डालेंगे। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि चने की दाल मैंने भिगो के रख दी थी 2-3 घंटे पहले और चावल मैंने अभी 15 मिनट पहले भिगाए हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से, देखिए प्याज डालने के बाद इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, जलाना नहीं है, जस्ट ये ट्रांसलूसेंट हो जाए और दूसरा ये बस सॉफ्ट हो जाए और हल्का पिंकिश ब्राउन कलर आ जाए, तब तक हमें पकाने हैं। ये देखिए बस हमें इतनी ही पिंक चाहिए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने अभी अदरक लहसुन का पेस्ट पूरे 1 वीक का बना के रखा था, तो उसी में मशीन में बच गया था जार में, मिक्सी जार में, तो वो मैंने डाल दिया है। और अभी मैं बस दाल, ये जो भीगी हुई दाल थी ये 1 कटोरी के करीब थी और ये अभी मैं इसमें डालूँगी और बस दाल के अकॉर्डिंग ही अभी हमें नमक ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस दाल के बराबर ही हमें, तो दाल के अकॉर्डिंग हमें अभी बस नमक ऐड करना है यहाँ पे और थोड़ी देर इसको भूनना है। आपने नोटिस किया होगा मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट जो मैंने पानी मिक्स करके डाला था उसको ज़्यादा भूना नहीं, वो बस अभी दाल के साथ ही जितना भूनने का उतना ही काफ़ी होता है। तो बस थोड़ा सा हम इसे भून के और बस इसमें 2 सीटी हम लगा देंगे। अभी यहाँ अभी मैंने 1 ग्लास ऐड किया है पानी और मैं आपको इसका रेशो बता देती हूँ। अगर आपके पास 2 कप अपने चावल हैं तो 1 कप चना दाल ले लीजिएगा। वैसे तो घर में जो हम बनाते हैं सब अंदाजे से ही सब होता है, बट मैंने जो लिया है वो इस तरह से लिया है। मैंने इसका लिड लगा दिया है, अभी मैं बस 2 सीटी लगाऊंगी और करीब 5 से 8 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाऊंगी, फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ये 2 विसल लग चुकी है, मैंने ढक्कन हटा दिया है, अभी मैं इसमें राइस ऐड करने जा रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है और नमक ऐड करूँगी और ये हरी मिर्चें थोड़ी सी स्लिट करके काट के मैंने रखी हुई हैं, ये इस टाइम ऐड करूँगी। नमक और हरी मिर्च ऐड कर दी है और आप इसको चाहे तो 1 सीटी दिला सकते हैं, यहाँ पर 1 सीटी में तैयार हो जाएगी पुलाव। इसमें थोड़ा पानी कम डालना पड़ेगा, तब अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अभी मैं इसको ओपन ही पकाऊंगी, जस्ट जिस तरह से हम पुलाव बनाते हैं। इतने हम रायते की तैयारी कर लेते हैं। नमक हमने डाल दिया है, मैं अब दही ऐड करने जा रही हूँ। ये हमने दही ले लिया है और अभी इसमें हम ये ऐड करेंगे, हरी हम पुदीने की चटनी ऐड करेंगे जो अभी मैंने बनाई थी पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो ये हम 2 चम्मच ऐड करेंगे, इसमें सभी कुछ था, काला नमक, जीरा और हींग, थोड़ा सा बहुत कुछ था, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम इसको बस मिलाएंगे और बारीक बारीक प्याज काट, ये प्याज काट दी है। आप चाहे तो यहाँ खीरा और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट ठीक है, इतना ही काफ़ी है। और अभी हम चलते हैं पुलाव की तरफ। इस स्टेज पे हम गैस हमेशा सिम करते हैं जब भी पुलाव बनाते हैं, तो मैं अभी गैस को बिल्कुल सिम कर रही हूँ और इसको कवर करके पकने दूँगी 10 से 12 मिनट। ये बन गई है, ये इस वक्त बिल्कुल रेडी है, अभी मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ सर्विंग के लिए। ये लीजिए हमारी चना दाल पुलाव या खिचड़ी तैयार है, एंजॉय कीजिए। मेरे को तो भूख लगी है, मैं खाने जा रही हूँ।